आ गए आप लोग, ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कभी कभी होता है ना कि आपको अपनी बात बयां करनी होती है पर आपके पास शब्द नहीं होते। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, बट मेरे को एक ऐसा वीडियो मिला है जो कि मेरी लाइफस्टाइल से, मेरे से बहुत ही ज्यादा रिलेट खा रहा था, और मैंने सोचा क्यों ना मैं वो आपको आज दिखाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोगों, ये कोई वीडियो नहीं है, इस वीडियो को आप एक मेरा पार्ट ले सकते हो, ये मेरी लाइफ से रिलेट करता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था एंड मुझे देखी एक मीम, इस फोटो ने मुझे सोच में डाल दिया। बेसिकली जो मीडिया है, जो ऑडियंस है, जो सारा पूरा दुनिया है, उसका फोकस जा रहा है एक्टर्स पे, पर लाइक हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु मेड अ मूवी पॉसिबल, जिन लोगों ने एक अच्छी मूवी को लाइक बनाया है, मेहनत किया है, उसके पीछे उसका बैकबोन है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। नोबडी इज फोकसिंग ऑन देम। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। बहुत ही जमती बात करी है भाई ने। आगे चलते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मूवी, इट्स बेसिकली अबाउट एवरी थिंग, लाइक वीडियो एडिटिंग, फिल्म मेकिंग, जितनी भी चीज़ें हैं और जितनी भी क्रिएटिव चीज़ें हैं और जितने भी आर्टिस्ट लोग होते हैं, लाइक बहुत सी चीज़ें होती हैं उनके पीछे कितनी मेहनत लगती है, बट लाइक कोई भी नोटिस नहीं करता है। कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम पर पोस्ट वगैरह सेंड करते रहते हैं कि देखो भाई इस वीडियो में कितना क्या व्यूज़ है, हम लोग कितना मेहनत करते हैं एंड कुछ नहीं मिलता है, ये सब। तो मैंने सोचा कि हाँ यार, ये बात तो सच है कि लाइक इंटरनेट पर थोड़ा सा कोई कच्चा बादाम, पक्का बादाम कर देता है, तो कितने लोग देखने आ जाते हैं उनके बादाम को, लाइक मिलियंस में भाई, मिलियंस में लोग उस चीज़ के लिए पागल हो जाते हैं। और अगर जहाँ पे लोगों को कुछ सीखने मिल रहा है, वहाँ पे लोग दिमाग नहीं लगा रहे, वहाँ पे दुनिया दिमाग नहीं लगा रही है, लोग दिमाग लगा रहे हैं कच्चा बादाम। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हम अपने कंटेंट को या फिर हम अपने काम को स्टार्ट कर देते हैं कंपेयर करना ऐसे वर्क से जिसमें ज़्यादा लोग हैं। जैसे कच्चा बादाम वाला कंटेंट है, उसको 95% लोग कंज्यूम करते हैं, तो हम उस कंटेंट से अपना कंटेंट स्टार्ट कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके व्यूज़ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड फिर हमको लगता है कि ये काम हमें बंद कर देना चाहिए बिकॉज यहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, एंड वी आर नॉट इवन गेटिंग डिजर्व, मतलब 1% भी नहीं मिल रहा है हमको डिजर्व। भाई हमें अपने आप को कंपेयर ऐसे लोगों से नहीं करना, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये सबके लिए है, कच्चा बादाम या फिर जो भी, मतलब सब उसको देख रहे हैं पागल की तरह। और जो हमारा कंटेंट है, जो क्रिएटिव कंटेंट है ना, ये एक अंडररेटेड चीज़ है। बेसिकली दिस इज कॉल्ड अंडररेटेड वर्क, लाइक अ फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, एडिटिंग, पेंटिंग, ड्राइंग और पता नहीं जितनी भी चीज़ें होती हैं क्रिएटिव, ये सारी अंडररेटेड हैं। बिफोर यू कंपेयर दीज टू थिंग्स, मैं भी कंपेयर करता था एंड प्रॉब्लम में फंस जाता था। अगर आप एक नए पर्सन हो और बहुत सही बात कही है, अगर आपको कंपेयर करना है ना तो खुद से करना, किसी और से नहीं। और अगर आप एडिटिंग लाइन में आना चाहते हो या फिर एडिटर हो, तो आपको पता ही होगा कि ये कितना अंडररेटेड काम है। फील्ड में जाना चाहते हो या फिर एडिटिंग वगैरह कर रहे हो या फिर वीडियो एडिटर बन रहे हो या फिर फिल्म मेकिंग में घुस रहे हो, सो इस चीज़ का ध्यान रखें भाई साहब कि ये चीज़ हमेशा अंडररेटेड ही रहेगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास जिन्होंने 12th पास कर चुकी है। अब इनमें से 70-80% लोग जो हैं वो कहाँ जाएंगे किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने में, सरकारी जॉब में। तो ऑब्वियसली सबको भाई 12th करके सबको रेड रेस में घुसना है, सबको वही करना, तो मोस्टली लोग वही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 70-80% लोग कहाँ चलेगा इस चीज़ में। अब बचे हुए जो कुछ लोग हैं वो, तो इन 20 लोग में से एक बंदे को लाइक एडिटिंग में या फिर फिल्म मेकिंग में या फोटोग्राफी में, इनमें से किसी एक चीज़ में इंटरेस्ट हो सकता है, तो आउट ऑफ 100 ये एक बंदा इस चीज़ में आ गया। और जो बाकी का आप क्रिंच कॉन्टेंट देख रहे हो या फिर जो भी कुछ आप ऐसा कंटेंट देख रहे हो जिसमें मिलियंस में व्यूज हैं, जो क्लास में 100 स्टूडेंट्स थे ना, उनमें से 80% लोग उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, और आपका जो कंटेंट है वो कौन कंज्यूम कर रहा है, क्लास का एक बच्चा। सो इसीलिए आपके नंबर्स कम हैं और उनके नंबर्स ज्यादा हैं। तो इस तरीके से आपको समझना है कि भाई इस चीज में लोग कम हैं एज कम्पेयर टू अदर क्रिंज, कच्चा बादाम, पक्का बादाम। तो चाहे वीडियो एडिटिंग हो गई, चाहे फिल्म मेकिंग हो गई, चाहे कोई भी क्रिएटिव चीज हो गई, वो हमेशा अंडररेटेड ही रहेगी, उसको कम ही मिलेगा। मतलब बेसिकली हम क्लास के बैक बेंचर्स हैं। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया था ये 100 बॉयज़ का लिया था, मतलब इसमें गर्ल्स वगैरह इंक्लूड नहीं करें। गर्ल्स का मैं क्या बोलूँ, 90% गर्ल्स को भाई करना है कच्चा बादाम, पक्का बादाम। बहुत से लोग शायद मुझसे एग्री ना हो, बट दिस इज़ द ट्रुथ। गर्ल्स को अगर आप देखो ना आज के टाइम में, पढ़ाई लिखाई छोड़कर या फिर कोई भी क्रिएटिव काम छोड़कर, उनको कच्चा बादाम बनना है इंटरनेट पे। गर्ल्स का रेशियो अगर आप देखो तो आउट ऑफ 1000 गर्ल्स मुश्किल से एक गर्ल्स आपको मिले इस टाइप की क्रिएटिव चीज़ में। फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग वीडियो एडिटिंग, फिल्म मेकिंग, तो मुझे अंदर से अच्छा लगता है, एटलीस्ट मैं इंटरनेट पे नंगा नाच तो नहीं कर रहा हूँ। नंगा नाच जो बिगनर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, जो फ्यूचर में कुछ
क्रिएटिव चीज़ों में जाना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं भाई साहब, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ वीडियो एडिटर कि आप लोग को अगर वीडियो एडिटर बनना है तो उसमें भी लाइक बहुत सारी चॉइस होते हैं कि अगर आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो तो आप कहाँ कहाँ पर काम कर सकते हो, आप फ्रीलांस वीडियो एडिटर बन सकते हो, दूसरों के लिए लाइक काम करो। सेम चीज़ अगर आप एडिटिंग का एक फ्यूचर लेके चल रहे हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मैं आपको उसके बारे में एक सॉल्यूशन बताऊंगा। मुझे उतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं है फ्रीलांस का, मैंने किया नहीं उतना कुछ, सो उन लोग से आप पूछ लो जो लोग करते हैं। नेक्स्ट थिंग कम्स अबाउट अ जॉब, आप किसी पर्सन के लिए जॉब कर सकते हो, किसी ब्रांड के लिए, किसी कंपनी के लिए आप लोग। बिल्कुल, उन्हीं लोगों से पूछेंगे जो करते हैं। जॉब कर सकते हो एज अ वीडियो एडिटर। आजकल तो इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि भाई यूट्यूबर्स को भी ज़रूरत पड़ने लगी है वीडियो एडिटर्स की, तो उनके लिए भी आप वर्क कर सकते हो। सो सारे ऑप्शन हैं भाई, सारे क्रिएटिव चीज़ों में सारे क्रिएटिव। सो दिस इज अबाउट द वीडियो एडिटिंग ऑफ फिल्म के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जितनी भी क्रिएटिव चीज़ें भाई सब में बहुत सारे ऑप्शन हैं आप करने के लिए। आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू बी अ वीडियो एडिटर, मुझे बहुत सारी चीज़ों में अच्छा होना है लाइक फिल्म मेकिंग, एडिटिंग, राइटिंग, स्क्रिप्टिंग और क्या हो गया, और जितनी भी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एक फिल्म वगैरह बनाने के लिए, एक वीडियो बनाने के लिए, एक यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ में अच्छा नहीं होना या फिर एक ही चीज़ में मुझे घुस के नहीं जानना है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना है, इसीलिए मैं जॉब भी नहीं करता हूँ ना ही मैं फ्रीलांस वगैरह वर्क करता हूँ। मुझे अभी सीखना है बहुत सारी चीज़ें लाइक डिफरेंट थिंग्स एंड आई वांट टू वर्क ऑन डिफरेंट स्टफ। सो टू बी अ यूट्यूबर यू गाइस हैव टू बी गुड एट डिफरेंट थिंग्स, इसलिए मैं अभी अपना ज़्यादातर समय जो है वो सीखने में लगा देता हूँ। पैसा कमाना मेरे लिए अभी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है मेरा, बट अगर आप लोग को अभी से पैसा कमाना है ब्रो तो आप वीडियो एडिटर बन सकते हो या फिर आप डिफरेंट कैटेगरी में घुस के एक किसी कैटेगरी में अच्छे हो सकते हो एंड उससे आराम से पैसा कमा सकते हो लाइक फ्रीलांस वर्क कर सकते हो, जॉब, बिजनेस और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है अभी। एंड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल ऑलवेज बी अंडररेटेड और इसमें आपको थोड़ा सा कम ही मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर स्टफ। तो भाई लोग आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिला होगा, मैं तो इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा रिलेट हुआ हूँ। अगर आप भी रिलेट हुए हो चाहे आप किसी अदर फील्ड में ही क्यों ना हो तो नीचे जाके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हमने सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करा है, बट इसका पार्ट टू भी आने वाला है। तो भाई लोगों जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे, और जिन्होंने इस वीडियो को बनाया है इनका नाम शुभ बुंदेला है और काफ़ी अच्छा और प्यारा कंटेंट है, और इनको भी लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ऐसे शानदार कॉन्टेंट ये लाते रहते हैं। और अब बात करते हैं आने वाले पार्ट टू की, तो भाई लोगों जल्द आने वाला है इसका पार्ट टू, हम मिलते हैं आपको ऐसे ही डिफरेंट मस्त वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।